सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं 10 की 10 तक। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है हमारे इस स्पेशल क्राइम प्रोग्राम में हम आपको सबक रहने की, सजग रहने की नसीहत देते हैं, आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं जिससे आप समझ सके कि आज के समय में क्या चल रहा है और जो दौर है वो कैसे चल रहा है, कैसा खौफनाक भरा दौर है। ऐसी कुछ घटनाओं को लेकर आज फिर मैं आपके सामने आई हूं। देखते हैं क्या है आज की खास खबर। एयरफोर्स जवान को ओवरटेक कर लूटपाट, बच्चे समेत तीन को मारा चाकू, पत्नी की मौत। एयरफोर्स जवान को अपराधियों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौट रहा था। एयरफोर्स जवान की पत्नी मृतका माधुरी कुमारी को सिर और गर्दन पर 5 वार किए गए जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के बेटे को भी अपराधियों ने हमला कर घायल कर दिया। मोतिहारी पूर्व चंपारण में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। रोज कोई न कोई बड़ी घटना के अपराधी बेधड़क अंजाम दे रहे हैं। बेलगाम अपराधियों ने मंगलवार को देर रात एयरफोर्स के जवान और उसके परिवार को निशाना बनाया। पत्नी का इलाज कराकर घर लौट रहे जवान से अपराधियों ने लूटपाट की। इस दौरान लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने दंपति को धारदार हथियार से गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस वारदात में एयरफोर्स जवान की पत्नी की मौत के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि भगवान जवान गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि आगरा कैंट में पदस्थापित एयरफोर्स जवान अमित कुमार गुप्ता करीब 30 दिन पहले छुट्टी पर घर घोड़ासहन के कदम्बा भक्तिया टोला आया था। मंगलवार को वह अपनी पत्नी माधुरी कुमारी का इलाज कराने मोतिहारी आया था। लौटने के दौरान जवान दंपति ने आवश्यक सामानों की खरीदारी भी की थी। जवान दंपति के साथ उनका 1.5 वर्षीय पुत्र भी था। घर लौटने के दौरान देर शाम हो गई। इस बीच चिरैया थाने के मद्दीपुर और धरहरा गांव के बीच सुनसान सड़क पर ओवरटेक कर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अपराधियों ने जवान दंपति को घेर कर लूटपाट शुरू की। इसका विरोध जवान दंपति ने किया। विरोध करने पर अपराधियों ने धारदार हथियारों से दोनों को गोद दिया। एयरफोर्स जवान अमित कुमार को 3 जगहों पर अपराधियों ने चाकू से मारा, जबकि एयरफोर्स जवान की पत्नी मृतका माधुरी कुमारी को सिर और गर्दन पर 5 घाव लगे हैं। अपराधियों ने गोद में मासूम बालक को भी नहीं बख्शा और धारदार हथियार से काट डाला। लूटपाट के बाद अपराधी आराम से निकल गए। राहगीरों ने सड़क पर गिरे घायल एयरफोर्स जवान दंपति को चिरोगा PHC पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मोहतरानी लाने के लिए दौरान जवान की पत्नी माधुरी कुमारी की मौत हो गई, जबकि एयरफोर्स जवान अमित कुमार का मोतिहारी के निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं मासूम को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। मृतका के पिता प्रेमचंद्र प्रसाद ने बताया कि अपाची और पल्सर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 की संख्या में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी जाँच में जुट गई है। लेकिन अब आप बताइए कि जो स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है, यदि ये पुलिस पहले ही जांच में जुट गई रहती तो लगभग ये तीसरा चौथा मामला क्या हमारे सामने आता। कई दिनों से ये अपराधी बेलगाम होकर इसी तरह से बेरहम कृत्य करते जा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, मौत कर रहे हैं। ये कंटिन्यू ये इस 2 महीनों में 5वीं से 6वीं खबर है जो मैं आपके सामने लेकर आई। तो क्या ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है कि वह सख्ती से इन कामों पर लगाम लगाए, अपराधियों को ढूंढ कर उनको कड़ी सजा दे, ताकि वह अगली बार करने इस कृत्य को करने से पहले 10 बार सोचे। एयरफोर्स जवान को ओवरटेक कर लूटपाट, बच्चे समेत 3 को मारा चाकू, पत्नी की मौत। एयरफोर्स जवान को अपराधियों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौट रहा था। एयरफोर्स जवान की पत्नी मृतका माधुरी कुमारी को सिर और गर्दन पर 5 वार किए गए जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के बेटे को भी अपराधियों ने हमला कर घायल कर दिया। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। रोज कोई न कोई बड़ी घटना को अपराधी बेधड़क अंजाम दे रहे हैं। बेलगाम अपराधियों ने मंगलवार की देर रात एयरफोर्स के जवान और उसके परिवार को निशाना बनाया। पत्नी का इलाज कराकर घर लौट रहे जवान से अपराधियों ने लूटपाट की। इस दौरान लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने दंपति को धारदार हथियार से गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस वारदात में एयरफोर्स जवान की पत्नी की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि जवान गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि आगरा कैंट में पदस्थापित एयरफोर्स जवान अमित कुमार गुप्ता करीब 20 दिन पहले छुट्टी पर घर घोड़ासहन के कदमवा भक्तिया टोला आया था। मंगलवार को वह अपनी पत्नी माधुरी कुमारी का इलाज कराने मोतिहारी आया था।
लौटने के दौरान जवान दंपति ने आवश्यक सामानों की खरीदारी भी की थी। जवान दंपति के साथ उसका 1.5 वर्षीय पुत्र भी था। घर लौटने के दौरान देर शाम हो गई। इस बीच चिरैया थाना के मेहदीपुर और धरहारा गांव के बीच सुनसान सड़क पर ओवरटेक कर दो मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अपराधियों ने जवान दंपति को घेर कर लूटपाट शुरू की। उसका विरोध जवान दंपति ने किया। विरोध करने पर अपराधियों ने धारदार हथियार से दोनों को गोद दिया। एयरफोर्स जवान अमित कुमार को 3 जगहों पर अपराधियों ने चाकू मारा है, जबकि एयरफोर्स जवान की पत्नी मृतका माधुरी कुमारी को सिर और गर्दन पर 5 घाव लगे हैं। अपराधियों ने गोदने से मासूम बालक को भी नहीं बख्शा और धारदार हथियार से काट डाला। यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी जगह इस समय। देखते रहिए MNS News Live, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।